अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पर व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर से होंगे, अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर करूंगी। जो फेस पैक है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से जो है इस फेस पैक को तैयार कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, ग्लोइंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग, बिल्कुल लाइटिंग कर देगा आपके फेस को। तो ये बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट बनाना आपको ले लेना है, आपको एक बनाना लेना है। और दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है रोमिलिक, कच्चा दूध। आपको जो है कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा क्लींजर होता है। और जो है हमें सिर्फ ये पैक बनाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद बस आप अपने फेस की ग्लोइंग देखेंगे, बिल्कुल जो है आपकी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, बिल्कुल आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट, क्लींजिंग, बिल्कुल जो है वाइट करने में काफ़ी जो है ये सपोर्ट करेगा आप स्किन के लिए। बहुत जो है इफ़ेक्टिव, अच्छी जो है ये रेमेडी है। फेस पैक जो है बहुत बहुत अच्छा ये फेस पैक है। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, हमने जो है बनाना ले लिया है। ये मैंने 2 चम्मच बनाना लिया है, तो आपको 2 चम्मच ही बना लेना है। अपने फेस के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसको 2 चम्मच लीजिएगा। और मैंने इसमें रोमिलिक, 2 चम्मच रोमिलिक इसमें डाल दिया है, यानी ये कच्चा दूध। आप कच्चा दूध ही इसमें यूज़ कीजिएगा, सही है, पका हुआ दूध ना हो, कच्चा दूध ही हो, सही है। आपको ये लाजमी याद रखना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो मैं इसको अच्छी बनाना को और जो है रोमिलिक को अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। ये जो फेस पैक है ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको सबसे पहले किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है आपको अच्छी तरीके से इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल अगर आप ब्रश की मदद से करना चाहते हैं, फेस पैक अप्लाई करना चाहते हैं अपने फेस पे, तो कर सकते हैं। मैं अपने हाथों की मदद से जो है ये फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये काफ़ी ईजी लगता है, तो इसीलिए अगर आप ब्रश की मदद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको जो है अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे इस तरीके से। ये बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है, बहुत इफेक्टिव है, पर ये आपको जो है वाइटनिंग और लाइटनिंग और जो है ये आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा, नरिश कर देगी आपकी स्किन को। तो ये बहुत आजमूदा और बहुत अच्छा जो है फेस पैक है। आप इसको लाजमी जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद को जो है इसका रिजल्ट मिलेगा, तो आपको देखेंगे कितनी आपकी स्किन सॉफ्ट और बिल्कुल नरिश और बिल्कुल वाइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी आपकी स्किन। तो बिल्कुल क्लींजर जो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, साफ़ शफाफ हो जाएगी। तो मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई अपने हाथ पे कर लिया। आपको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो है आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको खुद फील होगा बिल्कुल फ्रेशनेस आपको फील होगा, जो आप जब अपना फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद ही आपको एहसास होगा आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ, शाइनिंग। तो देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया है, अपना हाथ को अच्छी तरीके से धो लिया है। तो नॉर्मल वाटर से आपको धोना है, आपको सिर्फ 15 मिनट इसको अप्लाई करना है, 15 मिनट्स अप्लाई करने के बाद आप इसको जो है वॉश कर लीजिएगा। फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट, बिल्कुल नरिश हो जाएगी और आप बिल्कुल ग्लो करेंगे। तो ये बहुत बहुत सिंपल सी जो है इंग्रेडिएंट है और ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उम्मीद है जी मेरी वीडियो को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।